चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 10वीं की, समकालीन भारत सेकंड के नाम से वो आपकी बुक से, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें अभी तक आपके 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। चौथा चैप्टर था कृषि, और आज बात करेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में, 5वां चैप्टर है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि अगर आप सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते हुए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लें सभी, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लें, और जो जो आपके लिए जरूरी है कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की, सभी हम लोग कवर भी कर रहे हैं, और आपका सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई। वहां से आपके लिए जो जरूरी है, आपको परेशान भी नहीं होने पड़ेगा, वहां से डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है, इतने सरल शब्दों में लिखी गई है कि आप लोग पढ़ते हैं तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसा शब्द मिले जो आपको समझ में ना आए। बहुत साधारण शब्दों में लिखी गई है। हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया। वह लोगों के को घरों जैसी अजीब चीजों में जाते देखता जो सड़क पर चलती हैं। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया कि यह घर नहीं है, ये बस या फिर वे गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है, इन्हें बनाने में लोहा एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते हैं, ये इंजन द्वारा चलित होते हैं, और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? आप लोग देख सकते हैं कि चाकू से लेकर कढ़ाई, इस तरह की जो भी आप लोग देखते हैं अपनी दैनिकचर्या में, बना सकते हैं। लेकिन आपको मैं बार बार बोलता रहा हूं कि आपको नहीं बनाना है इसे, इस तरह की प्रैक्टिकल करते हुए आपको नहीं बैठना है, आपको बस पढ़ना है और निकल जाना है। ठीक है, याद रखिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आपकी, ये कई बार वनडे एग्जाम में या फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरल नॉलेज के लिए, कि सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा। हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है, तांबपाषाण। आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयोग शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन में अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, और एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, ये सभी खनिजों से बनते हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बनी हुई हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं, और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी आवश्यकताओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहार व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका हो गया, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टीटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि आपकी रेउटाइल, एल्मिनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन, यानी कि जो आप दंतमंजन की बात कर रहा हूं, जो चमक प्रदान करते हैं और उनका कारण अभ्यक है, टूथपेस्ट व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आप विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं, कहीं आप तांबे की बात करते रहते हैं, कहीं आप लोहा, आप कहीं इस तरह की आप सुनते रहते हैं, अपने आपके भी क्षेत्र में कोई खनिज पाया जाता होगा। आपका राज्य भी खनिज में, किसी खास खनिज के लिए फेमस भी होगा, चर्चित भी रहता होगा। तो आप लोग भी नीचे बता सकते हैं कि आपके यहाँ किस खनिज का सबसे ज्यादा उत्पादन यानी कि मिलता है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती है। यद्यपि हमारे कुछ
पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है तथा ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इसके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। आप सुनते नहीं है कि आपसे कहा जाता है कि पालक खाइए, जिससे क्या होगा, आयरन की कमी पूरी होगी, समझ रहे हैं? तो आपके लिए भी खनिज पदार्थ बहुत ही जरूरी होते हैं। खनिज क्या है आखिर? भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा, नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि हीरा एक तरफ सबसे कठोर, नरम जैसे चूना ले सकते हैं। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टाने खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टाने जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी होते हैं, लेकिन अधिकतर चट्टाने विभिन्न अनुपात के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है अभी तक, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष का जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं, इन्हीं का को आधार मानते हुए खनिजों का कई भागों में बांटते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन, भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिज का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलविदा खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिज के भौतिक और रासायनिक संगठनों से संबंधित विषयों की जानकारी भी रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं खनिज वर्गीकरण। दिख रहा है आपको धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज भी आपके तीन भागों में बांट जाते हैं। लोहे खनिज, जिसमें आपका लोहे का अंश होता है, जैसे लोहा हो गया, एस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। आलोय खनिज की बात करें तो तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता, बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि, आप हीरे को भी इसमें रख सकते हैं। अधात्विक की बात करें तो अभ्यक हो गया, नमक हो गया, पोटास, सल्फर, चूनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज की बात करें तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये आपकी ऊर्जा खनिज हो गए। खनिज की उपलब्धता के बारे में हम लोग बात करें तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं आपके? सामान्यतः खनिज अयस्क में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव या फिर तत्वों के मिश्रण या फिर संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर करती है। खनन सुविधा इसके मूल को निर्धारित करता है। अतः हमारे लिए मूल मुख्य सेल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न सेल समूह में से प्राप्त होते हैं। अग्नेय तथा कायंतिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भैंसों व बीदरों में मिलते हैं आपको देखने को। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बेहद जमाव परत के रूप में भी पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्यतः धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह की सिराओं व जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों में या फिर परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षेत्रित परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोहे अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। आपने सुना होगा ना कि कोयला हो गया, फिर कच्चा तेल हो गया, इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, समझ रहे हैं? आप सोचिए कि आज आप लोग कोयला, कच्चा तेल यूज कर रहे हैं
तो इसे लाखों साल पहले बनने की इसकी प्रक्रिया शुरू हुई होगी, तब जाके आज हम लोग यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब हर देश आपका नवीकरणीय ऊर्जाओं पर ध्यान दे रहा है, यानी कि जैसे सूर्य हो गया, पानी से बनने वाली ऊर्जा हो गई, फिर वायु से प्राप्त ऊर्जा हो गई, क्योंकि ये ऐसे नवीकरणीय स्रोत हैं कि जो जब तक धरती रहेगी, जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा, तब तक बने रहेंगे। कोयला एक समय के बाद, कच्चा तेल एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सीमित है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टाने रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। आपका पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें ग्रह ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इससे भी निकालने की सुविधा हो जाए। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रगृहित यानी कि मिलते हैं। महासागरीय तली में भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में भी धनी है हमारी। रेड हॉल खनन, क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है? इसका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। आपने देखा होगा टेंडर डाले जाते हैं, कई प्राइवेट कंपनियां आपसे लेती हैं, यानी कि सरकार की अनुमति के बगैर आप लोग इन्हें नहीं खुदाई कर सकते हैं, खनन नहीं कर सकते हैं इनका। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत या समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोहे अस्क, चूना पत्थर का व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जुबाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया और सलाह दी कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास पर्याप्त और कई प्रकार के खनिज संसाधन मिलते हैं हमारे यहाँ। यद्यपि इनका वितरण असमान है, मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज अभ्रक व अन्य अनेक आध्यात्मिक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्व पासों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक आलोय खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की संरचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करते हैं। सदैव याद रखें कि अयस्क में खनिज का संधारण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचयन की आर्थिक विविधता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद यह खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोहे खनिज। लोहे खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात भी करता है, यानी कि हमारे पास इतने लोहे खनिज और मिल जाता है, हमारे यहाँ निकलता है कि हम अपने घरेलू जो भी हमारी मांग होती है उसे भी हम लोग पूरा कर लेते हैं और बाकी के देशों को हम लोग बेच भी देते हैं इसे, ठीक है। लोहे अयस्क आयरन, लोहे अयस्क एक आधारभूत खनिज तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लोहे अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहेंस युक्त लोहे अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहे अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। आपका इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहे अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश आपका 50% से 60% तक पाया जाता है।
एक बात आप लोगों को बताता हूं, लोह अयस्क खदान देख रहे हैं आप लोग, देखिए आप लोग कहेंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग है, ये आप लोह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश देख सकते हैं। सबसे ज्यादा उड़ीसा देखिए 52%, छत्तीसगढ़ आपका 16%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11% और अन्य राज्यों में 7%। देखिए एक समय हमारे यहाँ खेती कैसी हुआ करती थी, एक समय आपने देखा है कि डंडों से खेती होती थी खोद कर, फिर आपने देखा है कि लोहा का उत्पादन, लोहा की उत्पत्ति हुई, तो लोहा में खोज हुई और लोहा हम सब यूज करने लगे, तो फिर हम लोगों ने फाल देख लिए जो हल बैल के साथ यूज होता था। फिर और ज्यादा विकास हुआ तो आपने देखा ट्रैक्टर आ गए हैं, तो यहीं से आप सोच सकते हैं कि यहाँ किस तरह से उपयोग हो रहा है। पर बाकी उद्योग धंधों में यानी कि व्यापार में भी आपने देखा है फैक्ट्रियों में किस तरह से इसका उपयोग होने लगा है। कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक की पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के डील से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण इनका नाम पड़ा है। अब आपका से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि आप सोचिए कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपकी, इसे क्या कहते हैं, घोड़ा डीला कह देते हैं, क्या कह देते हैं, घोड़ा डीला यानी कि घोड़े के मुख से इसकी मिलती जुलती आती है। फिर आपने सुना होगा एक बेला डीला की पहाड़ियां बैल के डील से मिलती जुलती इसकी आकृति होती है, इसी के नाम पर पड़ चुके हैं। ठीक है, इस तरह के पॉइंट भी याद रखिए करें। भारत में लोहे अयस्क की पेटियों की बात करें तो उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा लोहे अयस्क मयूरभंज व केन्दुझर जिलों में बादाम पहाड़ पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोवामुंडी से हेमेटाइट के अयस्क का खनन किया जाता है। फिर आप देखते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट लोहा पाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि इसकी गुणवत्ता के लोहे कि 14 जमाव मिलते हैं यहाँ। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लोह अयस्क विशाखापट्टनम पतन से जापान दक्षिण कोरिया को निर्यात यानी कि जापान और दक्षिण कोरिया को बेचा जाता है। फिर आपकी बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकोरू पेटी, कर्नाटक की इस पेटी में लोहे अयस्क की बेहद राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्देमुख की खाने 100% निर्यात इकाई है। कुद्देमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लोह अयस्क कर्दम रोम में पाइपलाइन द्वारा मंगलोर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गुआ पेटी, यह पेटी गुआ तथा महाराष्ट्र राज्य की रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमगाओ पतन से इसका निर्यात भी किया जाता है। पर आप देखते हैं मैग्नीज, मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग आपका 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश, ये आपके देखिए पुराने आंकड़े हैं। आप लोग जब भी नए आंकड़े आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण होता है और जो आपकी बजट आता है, तो इसीलिए तो कहा जाता है कि उस समय आप लोग जो भी नए अपडेट हो रहे हैं और करंट अफेयर से आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में आपके कई आंकड़े मिल जाते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग करेंट से जुड़े रहेंगे तब भी आपकी मालूम चलता रहेगा। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 25%, महाराष्ट्र और उड़ीसा में 25-25%, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 27%, आपका आंध्र प्रदेश 10%, कर्नाटक 11% और जो बाकी अन्य राज्य हैं उसमें 2% आपको मैग्नीज उत्पादन देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं आप लोग भारत हमारा प्यारा, ये पाकिस्तान हो गया आपका पड़ोसी या अफगानिस्तान पीओके वाले हिस्से से लगता है। जम्मू कश्मीर को आपका 2 भागों में बांट दिया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ये आपका नेपाल हो गया, ये नेपाल, चीन ऊपर, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ आपका म्यांमार, ये आपका अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। अब देखिए आप लोग यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है लाइन टाइप की,
ये लोएस्ट क्षेत्र है यहाँ, जैसे यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, इसमें ये लाल है जो चंद्रपुर, ये लोएस्ट के खाने हैं यहाँ, दुर्ग, बेलाडीला, गोवा, गोवा, केंद्रझोर, मयूरभंज। इसके बाद आप देखेंगे गोवा में आप मारमागाव, रत्नागिरी, फिर कुद्देमुख, चिकमंगलूर, तुमकुक, कुरु, चित्तदुर्ग, बल्लारी, ये सभी हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ काले रंग में लोएस के निर्यातन पतन ही गए हो गए, मंगलूर पतन, विशाखापट्टनम, यहाँ आपका गोवा, ठीक है, यहाँ से पारादीप, यहाँ से अन्य देशों को हम लोग आया निर्यात करते हैं। ये आप देख रहे हैं मैगनीज हो गया, नागपुर, बालाघाट, ये मैगनीज, और ये आपके बॉक्साइट, कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, ये सभी आपके चिन्ह बॉक्साइट के। अब बैठ जैसे गया, हजारीबाग, बेवार, अजमेर, ये आपके क्या हो गया, अभ्यक, अभ्र। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का एक तिहाई भाग यहाँ से प्राप्त हुआ हुआ। पर आपके आलोय खनिज, भारत में आलोय खनिज की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइड का वितरण समझें। तांबा, भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, यानी कि कमी है। धातु वर्त, तन्न और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। आप लोग देखते होंगे ना कि बिजली में आपके यहाँ जो तार यूज हुआ होता है, तांबे का तार। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदान देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है, यानी कि सबसे ज्यादा आप देखेंगे मध्य प्रदेश में। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतरी खदानें भी आपकी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। मलाजखंड में तांबा खनन, ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश में आप लोग सुनते हैं। फिर आपका बॉक्साइड, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनियम किले जैसी दिखाने वाली जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइड से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइड निक्षेपों की संरचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसके अतिरिक्त धातुवर्धता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइड के नीचे मुख्यतः आपको अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश, पठार, अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां, बिलासपुर, कटनी के पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ये बॉक्साइड उत्पादन में राज्यों का अंश की बात करें तो उड़ीसा 59%, गुजरात 24%, झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ आपका 8%, महाराष्ट्र 8%, अन्य राज्य आपके 2%, ठीक है। बॉक्साइड खनन, खदानों का खनन हो रहा है, इस तरह से आप देखेंगे। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य 2016-17 की है, 17 में यहाँ कोरापुट जिले में पंचपथमाली निक्षेप राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइड निक्षेप है। एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन द्वितीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक्वा बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। आप समझ सकते हैं कि पहले किस तरह से इनका उपयोग होता था, आज तो ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका अधात्विक खनिज, इसमें अभ्यक, अभ्यक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इनकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्यक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का भी हो सकता है। इसकी सर्वोच्च पराविद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, बिंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टता वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्यक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। ऐसे आप लोग देखते हैं विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी इसका उपयोग करते हैं। अभ्यक के नीचे में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक है।
आपके अब्यय के। राजस्थान के मुख्य अब्यय उत्पादन क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अब्यय पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज में देखेंगे चूना पत्थर कैल्शियम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है या अधिकांश औषधीय चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोहे पिघलन भी की भट्टियों के लिए भी ये अनिवार्य होता है। ये आप देख रहे हैं चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का क्रम, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान 21, आप तेलंगाना 8, तमिलनाडु 8, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। याद रखिए जिस समय आप लोग जाते हैं उस समय करंट के जो भी आंकड़े हों उसे देखकर जाया करिएगा। जब पेपर देने आप जाते हैं उस समय आप लोग अपडेट कर लिया करिएगा। ये तो बस आपके लिए समझाने के लिए है। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य कर दिया गया है। पहले आप देखते थे कि नदी में से आप लोग रेत भी उठाते थे तो कितना उठा लेते थे, कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आप देखते हैं आप लोग कि एक सीमित कर दिया गया है कि इतनी बालू आपको उठानी है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो पर्यावरण का भी हमें ख्याल रखना है, समझ रहे हैं, तरक्की से ज्यादा हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखने की जरूरत है। खनन के जोखिम खतरों की बात करें तो क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं से में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए आज स्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे में के खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय हो जाता है और सरिताओं नदियां भी प्रदूषण हो जाती हैं। कई बार आप सुनते हैं कि जो खदानों की छत होती है उससे गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई। कई बार आप सुनते हैं कि कोयले की खान में आग लगने से विस्फोट हुआ, वहां इतने लोगों की मौत हो गई। तो ये भी नुकसान है और पर्यावरण को भी, वायु को भी नुकसान होता है और आपका जो पर्यावरण जो जल है इसे भी इससे प्रदूषित होता है। जो नदियां होती हैं इसके आसपास उनसे भी उन्हें भी काफी हद तक प्रदूषण फैलाया जाता है इनके द्वारा। खनन क्षेत्रों में धूल उठने से वायु प्रदूषण, आप लोगों ने केसर देखा होगा, गिट्टी निकलती है इससे, उसके आसपास आप लोग जब जाइए जब वो चल रहा हो तो किस तरह से धूल उड़ती है आपको दिखना बंद हो जाएगा। या फिर आप लोग जब जाइए, कभी आप लोगों को टाइम मिलता है आपके आसपास केसर मशीन है, वहां के देखिए पेड़ पौधों को देखिए, नदियों को देखिए, पूरा रेत उस पर बालू जो महीन बिल्कुल होती है उड़कर चली जाती है वो पूरा जमा रहता है। आपको पेड़ की जो पत्तियां होंगी वो देखने को नहीं मिलेंगी उस जगह, तो ये भी आपका नुकसान है। ये आपके न्यूज पेपरों की कटिंग है, इन्हें भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूपरवर्डी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व संधारण में लाखों वर्ष लगे हैं हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित हैं तथा नवीकरण योग्य हैं। खनिज समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश के अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्क की सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। सीधा यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी खनिज हैं, फिर चाहे आप लोहा देखिए, फिर चाहे आप लोग बाकी का सामान देखिए, देखिए लोहा का प्रॉब्लम नहीं है लोहा में, क्योंकि लोहे को आप लोग एक बार यूज कर लेते हैं फिर उसे दूसरी बार भी बदल सकते हैं। लेकिन कोयला को आप देखिए, कच्चे तेल को आप देखिए, इसे आप लोग एक बार यूज कर लेते हैं तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है कि आप समझ सकते हैं कि कोयला एक समय तक रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे बनने में लगते हैं हजारों साल, और जितना हजारों साल में बनता है उसे हम लोग एक साल में डेढ़ साल में खत्म कर देते हैं। तो इतनी रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं, तो इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा।
निम्न कोटि के अस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग और अन्य पिति स्थानों का उपयोग भविष्य में हमारी खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। इन्हें छोड़िए, आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी जो रद्दी होती है, किताबें होती हैं, इन्हें किससे बनाई जाती हैं? पेड़ों की छालों से, पेड़ काट कर ही इन्हें बनाया जाता है। तो कहा जाता है कि अमेरिका में एक बार बुक्स छपने के बाद उसे 7 से 8 बार बच्चे यूज कर लेते हैं, समझ रहे हैं? और आपके यहाँ देखा होगा कि एक बार आपके बच्चों को बुक्स दिलाई जाती है, वो 1 साल में ही उन्हें बर्बाद कर देते हैं, यानी कि उन्हें दूसरा बच्चा पढ़ने लायक छोड़ते भी नहीं है। तो आप समझिए कि एक बार खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी नई बुक्स छापनी पड़ेगी, तो उनके लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम बनी हुई है। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में हम देखेंगे तो लकड़ी हो गया, उपले हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत और ताप विद्युत सम्मिलित इसमें। और गैर परंपरागत साधनों में बात करेंगे तो सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, वायो गैस तथा परमाणु ऊर्जा इसमें शामिल की जाती है। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खाना इसी से बनाते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। आप फिर चाहे आप लोग ईंट के भट्टे में उपयोग देख लीजिए, लकड़ी और उपले का ही प्रयोग करते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लकड़ी और उपले। उपले वही होते हैं जो कंडे कहा जाता है कई क्षेत्रों में, जो पशुओं के गोबर से बनाए जाते हैं। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हस्तोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपयोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। आप देखते हैं ना, खाद की बात की जा रही है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की बात करें तो कोयला, भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर ही निर्भर है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूप में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन नमी की उच्च मात्रा पर निम्न ताप क्षमता होती है। पीट कोयला में लैग्नेटाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, या मुलायम होने के साथ, ये आप देख रहे हैं ना कोयला खदान का आंतरिक दृश्य। नमी युक्त होता है। लैग्नेटाइट के प्रमुख भंडार आपके तमिलनाडु में नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के पिघलन में विशेष महत्व होता है। एंथेसाइट सर्वोत्तम कोयले गुड़ वाला कठोर कोयला होता है, एंथेसाइट। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भी युगों के सेल में क्रम में पाया जाता है, एक गोंडवाना जिसकी आयु आपकी 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा आपका टर्शियरी निक्षेप जो आपका 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल और झारखंड में झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। याद रखिए कि कोयला स्थूल पदार्थ है, जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योगों व ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र तथा उसके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। और एक बार आप लोग कोयले का प्रयोग कर लेते हैं तो आप सोचिए इसके दोबारा प्रयोग करने लायक ये बचता भी नहीं है। जी आप, ये आपके कोयला क्षेत्र हो गए, ठीक है। ये आपका दिख रहा है सिंगरैनी, कोयबा, ये सभी आपके बोकारो, झरिया, रानीगंज,
नेवेली, ये आपकी कोयला खाने हो गई, ये आपकी देख रही होंगी रेड कलर में चौबोल, ये आपकी क्या हो गई तेल क्षेत्र हो गए, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ इस टाइप का, ये आपकी क्या हो गए मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैसें हो गई, प्राकृतिक गैसें यहाँ भी आप देख रहे होंगे यहाँ भी, ठीक है। और ये आप लाइन में देख रहे हैं लाइन टाइप की, ये HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हो गई, गुरुग्राम दिल्ली सोनीपत हजारीबाग अंकलेश्वर झाबुआ विजयनगर आंता औरैया जगदीशपुर, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या फिर खनिज तेल है। यह ताप व विकास के लिए ईंधन मशीनों को स्नेहक अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करता है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी योगी सेल संरचनाओं की अवनति अपनति व भ्रंश टैब में पाई जाती है। वलन अपनति गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां उब्द वलन के शीर्ष में तेल टैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध चूना पत्थर या फिर बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रभावित हो सकता है। मध्यवर्ती आसरण परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। आपको बता दें कि पेट्रोलियम सरंध और आसरण चट्टानों के बीच ब्रेंच टैब में भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज के तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में तीन प्रमुख अपतटीय क्षेत्र तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई यहाँ सबसे पहले आपने देखा होगा सुना होगा कि तेल उत्पादक हुआ था। नहर कटिया मोरन हुगरी जन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। याद रखिए हम लोग 75 से 80% अपना जो भी कच्चा तेल उत्पाद मतलब उपयोग होता है उसका 75 से 80% तक हम लोग बाहरी देशों से आयात करते हैं कच्चा तेल। फिर उसे हम लोग अपने यहाँ अलग अलग जैसे पेट्रोल हो गया गैस हो गई और डीजल हो गया इनमें बदलते रहते हैं, ठीक है। फिर आप सुनते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रोल रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। आपने सुना होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है, आप फिर चाहे आप कोयला ले लीजिए या फिर देख लीजिए डीजल पेट्रोल में तेल में। तो आप कहा नहीं जाता है कि हाइड्रोजन है जो भविष्य का ईंधन है, यानी कि इससे ना के बराबर आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण फैलेगा, लेकिन इसके उपयोग के लिए नई नई तकनीकों की जरूरत है। आगे देखेंगे जो भी होगा। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भाग के उर्वर विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधनों का संपीड़न प्राकृतिक गैस CNG से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊर्जा ऊर्जा संयंत्र है यहाँ के, देख लीजिए एक बार हम लोग ये लाल कलर में किया गया हो गया, ये आणविक ऊर्जा के स्रोत हैं, ये आपके तापीय इंदौर हो गया विजयवाड़ा। आगे हम लोग इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। टाइम टाइम से पानी पीना जरूरी है। दिल्ली फरीदाबाद नरोरा राउतभाटा ये आणविक ऊर्जा काकरापारा तारापुर केगा कल्पक्कम, ठीक है।
विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि आपके यहाँ बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, उस पर भी आप देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा उससे भी प्राप्त करते हैं टरबाइन के द्वारा। अन्य ईंधन जैसे आप लोग कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से भी टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है, फिर चाहे आपकी चाहे जल की हो, फिर चाहे आपकी किसी ईंधन द्वारा उत्पन्न की गई हो। तेल तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन, कोपिली हाइड्रल परियोजना आदि। ताप विद्युत जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अन्य नवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करते हैं। याद रखिए, जो आपकी पहले तरह की जिसमें जल से उत्पन्न करते हैं बिजली, ये हमारे लिए सहूलियत मतलब नवीकरणीय ऊर्जाओं में शामिल किया जाता है, क्योंकि इनसे आपका ना के बराबर आपको मिलेगा जो प्रदूषण फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर बाकी गैसों का उत्पन्न हो, एक कम ही उत्पन्न होती है उससे। लेकिन आप पेट्रोलियम से देखते हैं, कोयला से आप देखते हैं कितनी बुरी तरह से हमारी वायु प्रदूषण को भी हानि पहुंचती है। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों की बात करें तो ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतें तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग को बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। आप सोचिए कि ये सभी ऊर्जा यानी कि वायु कब तक चलेगी, पवन व वायु कब तक चलेगी, सूर्य कब तक रहेगा, पानी कब तक रहेगा, अगर हम इनसे उत्पन्न करने लगते हैं ऊर्जा, तो जब तक हमारी जीवन रहेगा इस धरती पर तब तक आप सोचिए पानी भी रहेगा। जिस दिन पानी खत्म हो जाए, हवा खत्म हो जाए, उस दिन वैसे भी हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अब ज्यादा जोर दिया जा रहा है इन्हीं पर, गैर परंपरागत साधनों पर। भारत में धूप, जल और जीव भार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बेहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। आप सोचिए कि धूप में से ऊर्जा मिलने लगेगी सूर्य से, तो हमारे यहाँ वैसे भी सूर्य अच्छी रोशनी पड़ती है, तो हमारे यहाँ आपने सोलर लाइट देखी होगी ना, सोलर प्लेट, उनसे भी वही है। आपका परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, यूरेनियम, यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाले मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। आपकी सौर ऊर्जा, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत में ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग में से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। अभी आपने रीवा में देखा होगा सोलर पार्क, इसी का उदाहरण है आपका, ठीक है। ये आप देखते रहते हैं, इस तरह के भी आप लोग देखे होंगे गांव की तरफ, सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण उपकरण। फिर आपका पवन ऊर्जा, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। पवन चक्की देखे हैं ना ये आप लोग, नागर कोयल। फिर आपकी बायोगैस, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट
पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। आपकी बायोगैस संयंत्र नगर पालिका सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं को गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। एक किसान को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस तब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है हमारा देश। यह उर्वरक की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है और उपलों और लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्ष के नुकसान को रोकता है। देख रहे होंगे बायो संयंत्र, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा, महासागर तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ के द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है और टरबाइन घूमती है, उससे आपका विद्युत उत्पन्न होती है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। फिर आपकी भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती है, यानी कि गर्म होती है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाती है, यानी कि गर्म हो जाती है, या इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह को की ओर उठता है और यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में आप मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है और दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। आपकी ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण की बात करें तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर पर, चाहे आपका कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, वाणिज्य हो, फिर घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो, ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। ऊर्जा की आवश्यकता इन सभी क्षेत्रों में पड़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की परियोजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की पुनति और नवीकरण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार है। वर्तमान में भारत विश्व के अधिकतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक पूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरण के लिए एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से, गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। आप लोग सोचिए, यहाँ सीधा सा कहने का मतलब है आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं। जब भी आप घर में देखते हैं तो आप काम हो या ना हो, लाइट आपकी ऑन रहती है तो उसे बंद करके भी आप योगदान दे सकते हैं। या फिर आप देखते हैं कि आप कहीं ट्रैफिक जाम है तो वहाँ भी आप गाड़ी चालू रखते हैं दिखावा करने के लिए, तो वहाँ भी भाई बंद कर दीजिए, जिससे जितना बचत हो सके उतनी बचत ही करिए। तीसरा, आप देखते हैं कि जहाँ प्राइवेट गाड़ी, मतलब वहाँ तक अपनी गाड़ी ले जाते हैं जहाँ जरूरत ना है, जहाँ ट्रेन जा रही है वहाँ से ट्रेन से जाइए ना, आपको अपनी गाड़ी ले जाने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से आप योगदान छोटा छोटा ही सही, लेकिन योगदान दे सकते हैं। तो ये आपका अध्याय पांचवा था, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इससे संबंधित ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप देखते रहिए और टेलीग्राम पर AVPDF आपकी डली हुई है, वहां से डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिए, ठीक। अब अध्याय 6 देखेंगे हम लोग, विनिर्माण उद्योग के बारे में जानेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है।